नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शरद बाघेला। एक्सप्रेस स्पेशल में हम बात करते हैं उन खबरों की जिनका सरोकार कहने के लिए आप शरद से जुड़ा रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं महासमुंद से। महासमुंद के सरायपाली स्थित सिंगोड़ा गांव के शासकीय हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी है। ग्रामीण इस बात को लेकर गुस्से में थे कि स्कूल में शिक्षक नहीं होने के चलते बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नाराज ग्रामीणों स्कूल के गेट पर नारेबाजी भी की। जब जिला प्रशासन के अधिकारियों को प्रदर्शन की खबर लगी तब से तहसीलदार और सहायक बीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने अधिकारियों की बात पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार शिक्षकों की कमी की लिखित शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया। जबकि सरायपाली के आसपास कई स्कूलों में बच्चों के दर्ज संख्या के आधार से कहीं ज्यादा शिक्षक पदस्थ हैं, इसलिए अब जब तक स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक स्कूल बंद रहेगा। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सरायपाली से स्वराज संवाददाता विजय साहू जुड़ चुके हैं। विजय, व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ ग्राम लोगों का कहना, आखिरकार तालाबंदी कब की और कितने दिनों से तालाबंदी चल रही है स्कूल की? सर, यह है सिंगोड़ा से छात्र छात्राएं एवं ग्रामीणों द्वारा 3 माह पूर्व कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर आए हुए थे। 3 माह बाद शिक्षक की व्यवस्था न हो पाने के कारण ग्रामीणों छात्र छात्राओं एवं पालकों ने तालाबंदी का निर्णय लिया और इसी के चलते आज दो दिन से तालाबंदी है। क्या लगता है वहाँ की, जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी बात की जाए तो उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया इस पूरे मामले को लेकर? सर, व्यवस्था कर दिया जाएगा बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी ग्रामीण नहीं मान रहे हैं और आज क्षेत्रीय विधायक जी किस्मत लाल नंद भी पहुंचे हुए हैं जी और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो विधायक वहाँ पहुंचे हैं तो क्या कुछ कहा जा रहा है विधायकों की बात को लेकर, क्या कुछ कहा जा रहा है, विधायक क्या कह रहे हैं इस बारे में? विधायक बोल रहे हैं कि शिक्षा का व्यवस्था कर दिया जाएगा बहुत जल्द, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों का कहना यह है कि अभी तत्काल शिक्षक की जी वो किया जाए बोल रहे हैं। अच्छा, हम वहाँ के ग्रामीणों की बात करें तो उनका क्या कहना है इस बारे में? ग्रामीणों का कहना वही है सर कि जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं किया जाएगा तब तक तालाबंदी का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विजय। यानी कि आप देख रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, स्कूल का ताला बंद कर दिया वहाँ के ग्रामीणों ने क्योंकि स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी और जितने स्टूडेंट थे उसके मुकाबले उतने शिक्षक नहीं थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने फैसला लिया कि स्कूल में ताला जड़ दिया जाए। और अब वहाँ पर विधायक भी मौजूद है लेकिन विधायक की बात का भी कोई असर ग्रामीणों पर नहीं पड़ रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को कई बार शिकायत की जा चुकी है, उसके बावजूद भी इस स्कूल में कोई भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। गवर्नर